एक राजा की लड़की की शादी होनी थी। लड़की की शर्त ये थी कि जो भी 20 तक की गिनती सुनाएगा उसको राजकुमारी अपना पति चुनेगी। गिनती ऐसी हो जिसमें सारा संसार समा जाए। यदि नहीं सुना सकेगा तो उसको 20 कोड़े खाने पड़ेंगे और ये शर्त केवल राजाओं के लिए ही है। अब एक तरफ राजकुमारी का वरण और दूसरी तरफ कोड़े। एक एक करके राजा महाराजा आए। राजा ने दावत भी रखी, मिठाइयाँ और सब पकवान तैयार कराए गए। पहले सब दावत का मजा ले रहे होते हैं, फिर सभा में राजकुमारी का स्वयंवर शुरू होता है। एक से बढ़कर एक राजा महाराजा आते हैं, सभी गिनती सुनाते हैं जो उन्होंने पढ़ी हुई थी, लेकिन कोई भी वह गिनती नहीं सुना सका जिससे राजकुमारी संतुष्ट हो सके। अब जो भी आता कोड़े खाकर चला जाता। कुछ राजा तो आगे ही नहीं आए। उनका कहना था कि गिनती तो गिनती होती है, राजकुमारी पागल हो गई है, ये केवल हम सबको पिटवाकर मजे लूट रही है। ये सब नजारा देखकर एक हलवाई हंसने लगता है। वह कहता है, अरे डूब मरू राजाओं, आप सबको 20 तक गिनती नहीं आती। ये सब सुनकर सब राजा उसको दंड देने के लिए बोलते हैं। राजा उनसे पूछता है कि तुम क्या गिनती जानते हो, यदि जानते हो तो सुनाओ। हलवाई कहता है, हे राजन, यदि मैंने गिनती सुनाई तो क्या राजकुमारी मुझसे शादी करेंगी, क्योंकि मैं आपके बराबर नहीं हूँ और ये स्वयंवर भी केवल राजाओं के लिए है, तो गिनती सुनाने से मुझे कोई फायदा नहीं और मैं नहीं सुना सका तो सजा भी नहीं मिलनी चाहिए। राजकुमारी बोलती है, ठीक है, यदि तुम गिनती सुना सके तो मैं तुमसे शादी करूंगी और यदि नहीं सुना सके तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। यह सब देख रहे थे तो आज हलवाई की मौत तय है। हलवाई को गिनती बोलने के लिए कहा जाता है। राजा की आज्ञा लेकर हलवाई गिनती शुरू करता है। एक भगवान, दो पक्ष, तीन लोक, चार युग, पांच पांडव, छह शास्त्र, सात वार, आठ खंड, नौ ग्रह, दस दिशा, ग्यारह रुद्र, बारह महीने, तेरह रत्न, चौदह विद्या, पंद्रह तिथि, सोलह श्राद्ध, सत्रह वनस्पति, अठारह पुराण, उन्नीसवीं तुम और बीसवा मैं। सब हक्के बक्के रह जाते हैं। राजकुमारी हलवाई से शादी कर लेती है। इस गिनती से संसार के सारे वस्तु मौजूद हैं।